हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और मैं आप सबकी राशि, और आज तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, मॉर्निंग वॉक, ऑयल पुलिंग, उसके बाद अच्छी सी होम मेड टी, ब्रेकफास्ट, मतलब आपका रूटीन ये फिक्स हो चुका है। उठते ही आपने वॉक करनी है, उसके बाद आपने ऑयल पुलिंग करते करते वॉक करनी है, 7:30 आपने अपनी होम मेड टी लेनी है, चाय कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए 30 के 30 दिन। ये कोई आपके स्ट्रिक्ट वाले मतलब वो नहीं है, कोई रूल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो चाय कॉफ़ी आप लेते हो वो ब्रेकफास्ट के आधे पौने घंटे के बाद ही लिया कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर चाय में थोड़ा सा मीठा कम हो, अगर नहीं रह सकते। और एक और ज़रूरी बात कि कभी भी आपने किसी भी मील के साथ चाय कॉफ़ी या दूध भी नहीं लेना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से भी कभी भी किसी भी खाने के साथ आपने चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी, यहाँ तक कि पानी भी आपने नहीं लेना। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैम सिप सिप करके ले सकते? नहीं, सिप सिप करके भी नहीं ले सकते। आपने आधे घंटे पहले पानी पीना है और आधे घंटे के बाद पानी पीना है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ये तो बहुत बेसिक सी नॉलेज है जो आपको पता ही होगी। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि दी पानी का इंटेक कितना? पानी का इंटेक आप ये मत सोचा कीजिए कि 2-3 लीटर से काम चल जाएगा। नहीं, जो ये उमस वाले टाइम है ना, इस टाइम स्पेशली अक्टूबर में, ना तो गर्मियां हैं ना सर्दियां हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी तो ठंड लगती है, कभी मतलब सर्दी लगनी स्टार्ट हो जाती है, कभी गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस सीज़न में अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो प्रॉपर आपकी डाइट भी होनी चाहिए। तो इसलिए पानी का इंटेक 3.5 से 4 लीटर तो आपका होना ही होना चाहिए, और वो भी घूंट घूंट करके, आपने झटके से बोतल मुंह पे लगा के नहीं पीना। आपने हमेशा पानी गिलास में पीना है और सिप सिप करके, चिड़िया की तरह छोटे छोटे घूंट। और दूसरी बात, मेरी जो वेट लॉस जर्नी है ना डियर, वो सिर्फ मेरी है, मेरे उन लोगों के लिए है जो मेरी वेट लॉस जर्नी से इंस्पायर्ड है, मोटिवेट होते हैं मुझसे, और जो चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अच्छा खासा वेट कम करना। तो जो नेगेटिव लोग हैं ना, जिनको वेट कम करना ही नहीं होता, ठीक है, जिनको ना तो वेट कम करना है ना कुछ करना है, सिर्फ ना इधर से उधर जाके सिर्फ मतलब चीज़ों को ना अजीब सा करना है। देखो, मेरी वेट लॉस जर्नी सिर्फ मेरे लिए है। मैं अगर कुछ कहती हूँ, सिर्फ अपने जो मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उनको कुछ गलतियाँ वो अपनी लाइफ में ना करें, उस वजह से कि ताकि उनको हेल्थ इश्यूज ना हो, उस लिए मैं उनको समझाती हूँ कि ये इस चीज़ के लिए सही है। जैसे ड्राई फ्रूट्स है, मॉर्निंग में दी बेस्ट होते हैं, पर अगर हम ड्राई फ्रूट्स को अगर इवनिंग में लेंगे तो हमें ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन होगी, जो हमारे वेट को डाउन नहीं जाने देगी। ऐसे ही अगर हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर उन्हें सोक करके खाते हैं, छिलका निकाल के खाते हैं तो बेस्ट होते हैं। अगर हम उन्हें छिलके के साथ खाएंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। अब जैसे ड्राई फ्रूट्स है, उन्हें कभी भी आपने फ्रूट्स के साथ इकट्ठे नहीं खाना, ये गलत होता है। और आपने फ्रूट्स के साथ हमेशा सोक किए हुए सीड्स ही खाने हैं, और वो भी आपको अच्छी तरह से 32 टाइम्स च्यू करने में इजी हो जाता है, इसलिए बोला जाता है। अदरवाइज आप जब मीट ब्रेकफास्ट होता है, आप तब भी अपने भिगोए हुए सीड्स ले सकते हो, बेस्ट टाइम होता है, बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाना, और एक स्पून से ज़्यादा आपने एक दिन में नहीं लेना। तो कहीं कहते हैं कि मेरी वीडियोज़ किसी को स्पेशल टारगेट, अरे नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सीरियसली, किसी के पास आज के टाइम में, इतनी भागदौड़ के टाइम में, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कोई किसी के ऊपर कमेंट कर सके, कोई कुछ कर सके। नहीं भाई, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जर्नी इसलिए आप लोगों के साथ लेके आई हूँ ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, अपना वेट कम कर सको, इंचेस कम कर सको। सिर्फ उनको मेरी तरफ से ये स्पेशल गिफ्ट है जो घर पे रह के बिना किसी जिम के लिए पैसा दे के, बिना किसी चीज़ के लिए कुछ भी करके घर पे इजी तरीके से वेट कम कर सके। तो नेगेटिविटी मत फैलाया कीजिए यार, यू नेवर नो हाउ मच टाइम यू हैव। ठीक है, आज मैं मतलब डे 2 कर पा रही हूँ, क्या पता डे 3 मेरी किस्मत में लिखा ही ना हो।
ठीक है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, तभी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। अगर आप नेगेटिविटी ही अपने अंदर रखोगे तो आप नेगेटिविटी में ही फंसते चले जाओगे। जिंदगी का यही रूल है, जो सोचते हैं वही होता है। इसलिए हमेशा सोचा कीजिए, मैं पतली होंगी, मैं पतला होऊंगा तो डेफिनेटली आप पतले होंगे, चाहे आप छोले भटूरे भी खा रहे हो। अगर आपने ये सोचा है ना कि खा आप सैलेड रहे हो और आप सोच रहे हो हाई इससे भी मेरा वेट बढ़ तो नहीं जाएगा, तो सिग्नल सीधा बॉडी को जाएगा, तो सैलेड से भी वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी कुछ भी खाते हो खुश होके बनाया कीजिए, खुश होके खाया कीजिए, तभी आपको डाइजेस्ट होता है और खुशियां फैलाया कीजिए। ये मत सोचा कीजिए किसके लिए कहा किसके लिए नहीं कहा। मैं सिर्फ आपको आपके लिए कुछ चीजें बताती हूँ जो आप गलतियां ना कर सको। किसी से दुश्मनी मत है, नहीं है यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है किसी के साथ वो करने का। तो इसलिए प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज। और आज भी मुझे बाहर जाना है तो मैं आपको बताऊंगी कि बाहर जो ये कहते हैं ना कि दी बाहर जाके खाना पीना हो जाता है, अरे कुछ नहीं होता। अगर आपका दिल है, अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि ट्रेवलिंग में भी आप कैसे बाहर जाके हेल्दी डाइट ले सकते। और फ्रेंड्स, आज मम्मा बेटा की आज आउटिंग डे है तो हमने बहुत मस्ती की। तो आप लोगों को भी मैं एक चीज कहूंगी कि अपने अंदर ना बचपना जरूर रखिए। ज्यादा समझदार बन के आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, तो इसलिए जिंदगी को इस तरीके से जिए कि हाँ हर पल आपको ऐसा फील हो कि आखिरी हो, अरे देखी जाएगी। टेंशन लाइफ में आती है पर अपने आप और ये वाला गेम है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें मतलब काफी टाइम तक आपको आइसक्रीम नहीं दी जाती है, आपके साथ पहले गेम खेली जाती है, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी ही टेस्ट करने को मिली। आपको पता है कि बच्चे बिल्कुल भी आइसक्रीम चॉकलेट ये सब चीजें तो ऐसी होती बिल्कुल भी नहीं देते, तो लेकिन इसने मुझे जरा सा टेस्ट करने के लिए दे दी। वैसे मैंने आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल अवॉइड की हुई है, आने के बाद मैंने बहुत अच्छी अपनी दोबारा से मॉर्निंग में भी यही टी ली थी और मैंने अपना बिन में भी एक बार ये ऐसी टी ली है, ये पाइनएप्पल टी है, आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। और इसके अंदर आपने पिंच ऑफ हल्दी भी डाल देनी है, इंचेस लूज करने हैं, स्किन ग्लो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा जो पूरा दिन का शेड्यूल यही था कि मैंने मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे होममेड टी से नहीं थी, तो आप भी डेली अपने आप को ना चेंज करके होममेड टी देनी है, चेंज करके आपने मील देना है, चेंज करके अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। तो मेरा आज का ब्रेकफास्ट है मूली का परांठा, मुझे मूली के परांठे बहुत पसंद है। मैं मूली के परांठे, आलू के परांठे, प्याज, पनीर सबके खाती हूँ, लेकिन उनका मेरा एक रूल है, मैं कभी भी सॉल्ट नहीं डालती और मैं उसके अंदर जो ओट्स वगैरह भुना हुआ जरूर डालती हूँ। और इसके तवे के ऊपर इसे सिर्फ सेकना होता है, इस पे कोई ऑयल वगैरह घी वगैरह देसी घी नहीं लगाना होता। और जब इसे प्लेट में जब हम सर्व करते हैं तब इसके ऊपर आपने तब इस पे अपना आधा स्पून अपना देसी घी लगा सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं लगाना कि बहुत ज़्यादा आप लगा दो, थोड़ा सा ही लेना है और उसको ऐसे ऊपर से आपने लगाना। और इसको भी आपने 32 टाइम्स 40
40 टाइम्स जितनी बार हो सके छोटे छोटे पीसेस करके चबा चबा के मॉर्निंग में अगर ऐसे हेल्दी ब्रेकफास्ट लोगे तो आप खुद देखना आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ज़्यादा डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो डेली अपने आप को चेंज करके डाइट देना, कभी फ्रूट्स का देना ब्रेकफास्ट, कभी पुडिंग देना, कभी ऐसे सोल्ट फ्री परांठे दे सकते हो और कभी अपने आप को पोहा दे सकते हो, पर बहुत सारा उसके अंदर वेजिटेबल्स होना चाहिए, पोहा कम वेजिटेबल्स ज़्यादा। और एक हम गलती करते हैं कि मिड ब्रेकफास्ट हम अवॉइड करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम एकदम ब्रेकफास्ट से लंच करते हैं तो हैवी हो जाता है, तो मिड ब्रेकफास्ट जरूर हमें तो लेना आप लोग चाहिए। भी ऐसे डिटॉक्स वाटर रेडी करके रख सकते हो। इसकी मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है, वो टी का है। तो लेकिन ये हमारा डिटॉक्स वाटर है। मैंने 4 गिलास पानी में 1.5 चम्मच ऐसे सौंफ और थोड़ा सा अदरक और कुछ मेरे पाइनएप्पल के छिलके और एक दालचीनी, इनको मैंने 4 गिलास में हल्का सा बॉईल देके रख दूंगी। और मॉर्निंग में जब मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट इसे जब भी मुझे टाइम लगेगा 4 गिलास ये मैं एडजस्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स आपने भी ऐसे ही रात को अपना डिटॉक्स वाटर रेडी करके रख लेना बेस्ट होता है। अब जिस दिन से मैंने ये डिटॉक्स वाटर ट्राई किया है फ्रेंड्स, अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसके। तो आप लोग भी स्किन देखना इसको यूज करने के बाद, बेस्ट होती है। होममेड टी और डिटॉक्स में ये फर्क होता है, जो हमारे डिटॉक्स होते हैं उन्हें हल्का सा ही हम बॉईल करते हैं, उन्हें ज़्यादा हम नहीं कढ़ाते। जो हमारी होममेड टी होती है उन्हें हम 2 कप से 1 कप करते हैं, ये इन दोनों में फर्क होता है फ्रेंड्स। और जो डिटॉक्स वाटर होता है वो हमें हैवी क्वांटिटी में हम लेते हैं 4 से 5 गिलास, तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से डिटॉक्स होती है, बैड टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। और बेटे के साथ मुझे बाहर जाना है तो मैंने अपने साथ ऐसे फ्रूट्स वगैरह ले लिए और एक बोतल मैंने अपनी डिटॉक्स वाटर की ले ली है। तो डिटॉक्स वाटर कांच के गिलास में या जार में ही बनाना होता है। मैं उसे थोड़ा सा बॉईल करके लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है अब। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मॉल में इतना तेज एसी चला हुआ था, मौसम चेंज हो चुका है पर फिर भी बहुत तेज एसी था। तो मैंने वापस आने के बाद लेमन ग्रास, आप देख सकते हो, काली मिर्च, एक इलायची और अदरक के टुकड़े की मैंने होममेड टी ली है। बेस्ट होती है, जब भी मुझे फील होता है कि मेरा गला खराब हो रहा है, इंच लूज तो होते ही होते हैं, इससे इन्फेक्शन भी दूर होता है। तो जब भी आपको गला खराब या फिर सर्दी जुकाम लगे तो आप ऐसे होममेड टी ले सकते हो, पतले भी होंगे, इंचेस भी लूज होगा और आपकी दवाई के खर्चे भी बच जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के दौरान मैंने 2 अमरूद की पत्तियाँ भी च्यू करके ली थी। और वापस आने के बाद मैंने बाहर ज़्यादा चीट मिल नहीं किया है क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चीट मिल नहीं करना। अगर दिल से आप चाहो तो आप कभी भी बाहर मस्ती करो, एंजॉय करो, पर बाहर के खाने को अवॉइड करो। और ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी लेना है, आप अवॉइड कर सकते हो। तो घर आने के बाद मैंने अपनी जुकीनी का, मेरा फेवरेट, ओट्स की खिचड़ी बनाई है। आप थोड़ी सी दाल ली है, उसके अंदर आप देख सकते हो जो भी वेजिटेबल्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ऑयल वगैरह बिल्कुल कम रखना, तेज पत्ता, काली मिर्च आप देख सकते हो, थोड़ा सा जीरा, इनको थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डाल के, और आप अगर डालना चाहो तो दाल डाल सकते हो, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। तो ये मेरे ओट्स की खिचड़ी है। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे अपनी खिचड़ी बना के ले सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप रात को सोल्ट फ्री करो तो ज़्यादा बेस्ट होता है और इजी हो जाता है। अगर आप साथ में अनियंस वगैरह ले लेते हो तो आपको इजी हो जाता है 32 टाइम्स च्यू करना। और मेरी आदत है, मैं हमेशा देसी घी जरूर डाल के खाती हूँ। और फ्रेंड्स सैलेड वगैरह भी रेगुलर लिया कीजिए, पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए, तो देखना आप कितनी जल्दी अपने अंदर कितना चेंजेस देखोगे। तो रात की मेरी जो नाइट ड्रिंक है आप देख सकते हो, मैंने काढ़ा लिया, मुझे मौसम में थोड़ा चेंज की वजह से ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है।
और फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, 2 कप पानी में मैंने ऐसे पिंच ऑफ अजवाइन, एक मैंने तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा और एक मैंने इलायची डाल दी है, और इसके अंदर मैंने थोड़े से मेथी दाने भी डाले हैं। तो ये अच्छा होता है, इंचेस लूज भी होते हैं, साथ में आपको जब भी इन्फेक्शन फील हो, जब भी लगे कि मुझे थोड़े मौसम की वजह से तबीयत खराब है, तो आप ऐसे ले सकते हो। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते